दीप आईटी टी कंपनी पर हम बुलिश है पॉजिटिव है हमने लगातार कहा कि यहाँ पर आप एसआईपी कीजिए और धीरे धीरे यहाँ पर खरीदते रहिए एक मिडकेप आई टी कंपनी पर अब हम बुलिश होते दिख रहे हैं है साइंट लिमिटेड यहाँ पर वीकेंड पर कॉन कॉन हुई थी मैनेजमेंट की तरफ से एनलिस्ट मीट हुई थी और उनमें बड़ा स्ट्रॉन्ग आउटलुक आया मैनेजमेंट की तरफ से उन्नीस के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी है उन्नीस सौ और दो ये तीन टारगेट लेकर आप चल सकते हैं ऊपर की तरफ और जो मैनेजमेंट ने कहा है आ, अगले तीन साल के लिए ग्रोथ आउटलुक बहुत स्ट्रॉन्ग दिया है दस से बीस परसेंट की ग्रोथ कॉन्स्टेंट करेंसी में उनको उम्मीद है कि रेवेन्यू में देखने को मिलेगी और मजबूती से कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी के पाथ पर आगे बढ़ेगी ये दो बड़े ट्रिगर्स आते दिखे इसके साथ ही मॉर्गन स्टेनली ने भी टारगेट दो से बढ़ाकर तेबीस किया है इन सबको सुनने के बाद तो मुझे लगता है कि इन दोनों का असर देखने तो को मिले रेट सेटल हो गए हैं और ये ऑलरेडी तो टारगेट्स पर खुल रहे हैं वो वंडरफुल उन्नीस पर तो खुल ही रहा है ओके okay, थोड़ा सा नीचे मिले हाँ, नीचे तो कीजिए हाँ बिल्कुल कीजिए एंट्री कीजिए हो सकता है दो के भी पार निकलने की कोशिश करें ठीक है और कोई स्टॉक सर बस उसके अलावा कुछ और है रडार पर मेरे लिए बैंक्स वगैरह मुझे लग रहा है बैंक्स मजबूत दिख रहे हैं मुझे बैंक निफ्टी पर फोकस है और जैसे बैंक निफ्टी में कुछ अगर ब्रेकआउट के संकेत आते दिखे तो मैं आपको बैंकिंग शेयरों पर कुछ कुछ राय देने की कोशिश करूंगा डन तुम आगे भी रिकमेंडेशन आ जाएंगी तब तक